अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद उसामा हैदर और आप देख रहे हैं जी टी वी डिजिटल नेटवर्क। हम लोग इस वक्त शहर इक्तदार इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहाँ मुल्क भर से आए हुए मिसिंग पर्सन के लवाहिकीन अपने प्यारों की जल्द बाजियाबी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे किस हवाले से उनका क्या कहना है और हुकूमत अब तक उनकी क्या मदद कर चुकी है। दिल की बात यह है कि ये मुल्क जो 75 सालों तक जिस जगह पहुँचाया गया है और जिन्होंने इसको इस जगह पर पहुँचाया है, वो ये जो मिसिंग का जो अमल है वो कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 76 ईयर्स में जो क्राइम कर रखे हैं उनको कैसे अफोर्ड किया जा सकता है या उसे कैसे भुलाया जा सकता है। और इन्होंने 75 ईयर्स में इतने गैर सियासी करने के जो बीज बोए हैं, हम समझते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे लोग पॉलिटिकल हो, क्योंकि जब तक वो पॉलिटिकल नहीं होंगे तब तक इन भेड़ियों से हम बच नहीं सकते। और ये अमल तब ख़त्म होगा जब लोग उठ खड़े होंगे, तब बंदूकें झुकें। नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी बहन भी मौजूद हैं जिनके वालिद साहब को गुम हुए 8 साल से ज़ायद अरसा गुजर चुका है और इस हवाले से वो पेंटिंग्स बनाकर अपना पुरमन एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हैं। उनसे बात करते हैं। बेटे, ये पेंटिंग्स में क्या बना रही हैं और क्या शो कराना चाह रही हैं? कि इस पेंटिंग में मैं ये शो कराना चाह रही हूँ कि एक बेटी पे क्या गुजरती है जब उसका बाप अपने उसके सामने लापता होता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, इसमें एक छोटी बच्ची अपने बाप को पकड़ी हुई है लेकिन उसके सामने वो गायब होता जा रहा है। तो इसमें मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि जैसे आपको अंदाज़ा होगा कि ये गायब होते होते इस बॉडी का कुछ नहीं रह जाएगा, इस इंसान का कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि जब जबरी गुमशुदगी में आपको ना आपके पास कोई कब्र होती है, ना आपके पास कोई लाश होती है, ना आपके पास कोई जेल में कोई बंदा होता है जिसमें आप जिसे आप जाके मिल सकें, क्योंकि जबरी गुमशुदगी में वारंट के बगैर, वार्निंग के बगैर, किसी रीज़न के बगैर लोगों को रातों रात आके लापता किया जाता है। तो इसी तरह जब आप ये लैक ऑफ क्लोजर की बात है, क्या जब आपके पास कोई क्लोजर नहीं होता, कोई आपके पास आपको कोई रीज़न नहीं मिलता, आपको कुछ पता नहीं होता कि आपका प्यारा कहाँ गया है, तो आप इमेजिन ही कर सकते हैं कि बच्चों के ऊपर क्या गुजरती है। मेरे छोटे भाई हैं साद रफ़ीक, जो कि MS के स्टूडेंट हैं और बेसिकली हमारा ताल्लुक मानसरा से है। ये इस्लामाबाद आए थे यहाँ पे जॉब की तलाश में। तो बुध को 23 अगस्त की शाम से ये गायब हैं, लापता हैं। FIR हो चुकी है बड़ी कोशिशों के बाद, लेकिन पुलिस अभी तक हमें कुछ नहीं बता रही कि क्या हुआ। इस्लामाबाद जैसे शहर में एक पढ़ा लिखा नौजवान जो नौकरी की तलाश में है, उसको अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ पे। कोई अभी तक हमें कोई इनके जो फोटेज है वो नहीं दिखाई गई और हमारी ये इस्तेदा है कि जल्द से जल्द इनको बाजियाब करवाया जाए, क्योंकि पूरी फैमिली बड़ी परेशानी और तकलीफ़ में है।